नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। अनुपमा यादव, क्या कहें, इस रिश्ते को समझ में नहीं आता है। कब वो भाई बहन का रिश्ता निभाती है, कब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिश्ते में आ जाती है, पता ही नहीं चलता है। एक बार फिर से पवन सिंह और अनुपमा यादव स्टेज शो कर रहे थे, देर रात ये स्टेज शो हो रहा था, जहां पर अनुपमा यादव और पवन सिंह को देखकर ऐसा लगता है कि ये भाई बहन नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। जी हाँ, और यही कारण रहा कि बिक्कू अनुपमा यादव को छोड़कर चले गए अक्षरा सिंह के पल्ले में, क्योंकि बिक्कू जो है वो समझ गए थे कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। और अब हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, कल भी हम इस मुद्दे पर चर्चा किए थे, लेकिन आज हम भी कंफ्यूज है इस तमाम वीडियो को देखकर कि क्या भाई बहन ऐसे होते हैं। अभी आप मेरे साथ देख रहे होंगे, मेरे दो दोस्त सहयोगी हैं, मधुबाला और स्वाति। हम सबसे पहले मधुबाला के पास चलते हैं। मधुबाला, जो गाना आया निकलकर सामने, क्या वो भाई बहन का हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से कल वो बोली कि एक, मैंने जब बताया था कि गाना गाई भाई के लिए, आज वो पलट गई। आज वो गा रही है जो मेरी रूह को, ये पवन गा रहे हैं और अनुपमा गा रही हैं, हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो। ये रिश्ता से तो मुझे नहीं लगता है कि वो दोनों भाई बहन हैं। ये तो लग रहा है सरासर कि वो दोनों प्यार में डूबे हुए हैं। पूरे तरीके से डूबे जा रहे हैं। वीडियो के थ्रू हमें दिखा रहे हैं कभी कि हम दोनों भाई बहन का रिश्ता निभा रहे हैं, और एक तरफ दोनों एक दूसरे के लिए गाना गा रहे हैं, हाथ पकड़ के पवन को साथ ले जाया जा रहा है स्टेज पे, और आई लव यू बॉस बोला नहीं तो यहाँ पे तो बॉस भी नहीं था, यहाँ पे बॉस भी नहीं, बस आई लव यू और जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे। और उधर से पवन सिंह कहते हैं आई लव यू टू। वहां पे आई लव यू बॉस जब आया था तो आपने आई लव यू टू नहीं बोला था, तो लोग समझे कि चलिए ठीक है, बॉस का रिश्ता है, उसने आई लव यू कह दिया, लेकिन यहाँ पे तो आप आई लव यू टू तक पहुंच गए। हमको अभी भी ये लगता है कि आप एक महज गाना से किसी का पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जज नहीं कर सकते हैं। वो स्टेज शो कर रहे थे, ठीक है, वहां पे उन्होंने एक हिंदी गाना गाया, पवन सिंह ने भी गाया, तो आप एक गाने के बेसिस पे किसी का पर्सनल लाइफ जज नहीं कर सकते हो कि उन्होंने गाना गाया तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। वो दोनों सिंगर है, दोनों आर्टिस्ट है, उनका काम है, पर हरकतों से तो जज हो जाता है ना। हरकत को क्या करेंगे, हाथ पकड़ के आप अपने भाई को आगे लाएंगे स्टेज पर, बोलेंगे आई लव यू। अगर आप किसी को भाई मान रहे हो या कोई भी मान रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उसको राखी बांधते ही नजर आओ। वो एक आर्टिस्ट थे, दोनों वहां पे परफॉर्म करने गए थे, ठीक है, और उस बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते यार। वो स्टेज शो कर रहा है वो इंसान, वो लड़की जो भी एक्ट्रेस है, अनुपमा यादव, पवन सिंह, वो दोनों पब्लिक फिगर है, वो पब्लिक के बीच थे और दोनों का काम है, वो गायक है तो वो गाना गाएंगे। अब आप ये नहीं जज कर सकते हो कि वो एक सिलेक्टिव गाना गाया जिससे सिर्फ भाई बहन का ही प्यार झलके, वो कोई भी गाना हो सकता है। अच्छा, वो कोई भी गाना हो सकता है, और जिस तरीके से वहाँ पे हाव भाव था, क्योंकि जिस तरीके से पवन सिंह अनुपमा यादव पर हाथ फेर रहे थे, वो सब भी क्या भाई बहन का होता है? बिल्कुल नहीं। कल तक लगा कि शायद भाई बहन थे, लेकिन आज का जो हम लोगों ने देखा वीडियो वो दोनों का, तो मुझे नहीं लगता है कि ये भाई बहन का कहीं का रिश्ता है। स्टेज पे हाथ पकड़ना क्या जरूरत है, ठीक है, एक तरफ से हम लोग मान ले कि हाथ पकड़ना भी, चलिए एक तरफ मतलब मैटर क्लोज कर सकते हैं, लेकिन एक साथ एक दूसरे को देखना, हंसना और साथ ही में आई लव यू बोलना, फिर दोनों एक दूसरे के लिए एकदम प्यार भरा गाना गाना, इससे आप क्या समझ सकते हैं? और एक दूसरे के आंखों में देखकर, हाँ हाँ, एक दूसरे के आंखों में देख करके, हंस करके, मैं तो बोल रही हूँ हंस के, इससे मुझे नहीं लगता कि ये भाई बहन का। और हम आपको बता दें कि पवन सिंह क्या कहते हैं अनुपमा यादव के बारे में, आई हो दादा, ये कौन सा ट्रेंडिंग चलता है दिन पर दिन, ये भाई बहन का है। अगर अनुपमा यादव पवन सिंह को भाई मानती है, पवन सिंह अनुपमा यादव को बहन मानती है, तो जरूरी नहीं है कि वो हर जगह भाई बहन का झंडा ही फहराते नजर आएंगे। हर टाइम इंसान का मूड सेम नहीं होता है। उस टाइम वो चलो पब्लिक के बीच थे, लोगों के बीच थे, वो वहां पे एंटरटेन करने गए थे, कुछ भी हो सकता है, फ्लो में इंसान, अब जरूरी नहीं हर बात में मेरा भाई मेरी बहन ऐसा ही बोलेंगे, ये जरूरी नहीं है। और आपने बोला कि आंखों में जैसे देख रहे थे, भाई ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप भाई की आंखों में ऐसे देख सकते हो, बॉयफ्रेंड की आंखों में ऐसे देख सकते हो, या आप भाई को देख के स्माइल नहीं कर सकते हो, भाई को देख के कुछ बोल नहीं सकते हो, ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई भाई के लिए अलग सिंबल्स बनाए हुए हैं और बॉयफ्रेंड के लिए अलग बनाए हुए हैं? तो आप इस बेसिस पे किसी को जज नहीं कर सकते। आपको भी लगता है मधुबाला,
कि इस तरीके से जज नहीं किया जा सकता, हम लोग गलत हैं। देखिए भाई बहन का रिश्ता एक होता है ना, ठीक है आई लव यू बोलना ठीक है, मम्मी को भी बोल सकते हैं, पापा को भी, भाई को भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम दुनिया को शो करेंगे कि भाई हम दोनों एकदम आई लव यू बोल रहे स्टेज पे। भाई के साथ क्या जरूरत है स्टेज पे बोलने का आई लव यू, क्यों नहीं है भाई को प्यार से आई लव यू नहीं बोल सकते लोग? दुनिया अगर जज कर रहा है, दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप भाई बहन हो तो आप ऐसे बिहेव करो, तो इंसान जरूरी नहीं है ना लोगों के हिसाब से चले हर वक्त, वो उसी मोड में हो कि अच्छा लोग हमको क्या समझ रहा है, सामने वाले लोग हमारे रिश्ते को किस बेसिस पे देख रहा है, कैसे देख रहा है। सामने वाले ना, सामने वाले गलत इसी सब चीज को लेकर के सामने वाले मुद्दा उठाते हैं, ठीक ना। तो देखिए जब आप सामने वाले को दिखा रहे हो कि एक तरफ से हम भाई बहन है और एक तरफ से हम प्यार का ये चक्कर चलाना, तो इससे तो सामने वाला आपको जज करेगा ना भाई कि आप ये भाई बहन का रिश्ता का एक तरफ ढोंग कर रहे हो, एक तरफ आप प्यार दिखा रहे हो, तो इससे हम लोग क्या समझेंगे? अगर कोई भाई बहन का रिश्ता बता रहा है तो वो झंडा लेके नहीं चल सकता ना कि हम भाई बहन है, हम भाई बहन है। भाई बहन के रिश्ते में मजाक नहीं होता है, हम भाई से मजाक नहीं करते हैं, हम भाई से झगड़ा नहीं करते, हम भाई से प्यार नहीं करते हैं, तो उसे हमको ये जरूरी नहीं है ना दुनिया। अरे भाई हम पब्लिक फिगर है तो हमने ठेका नहीं लेकर रखा है कि हम लोगों के लिए हमेशा हर वक्त हम लोगों के लिए अपना मूड उस हिसाब से बिहेव करेंगे कि अरे सामने वाला हमको जज कर लेगा। हर इंसान का अपना पर्सनल लाइफ भी होता है, आप लोग पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स कर रहे हो और तभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अच्छा ठीक है, इसी बीच में एक पुरानी तस्वीर पवन सिंह और अनुपमा यादव का काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अनुपमा यादव एक मोटरसाइकिल पर बैठी हुई है और पवन सिंह पीछे से उस मोटरसाइकिल पर बैठ रहे हैं और गाना बज रहा है कच कच मारे लू तू आंख पियर फराक वाली। हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, गाना नहीं सुना सकते, लेकिन आप वीडियो देखिए कि किस तरीके से अनुपमा यादव और पवन सिंह का हरकत है। अब भी बोलेंगे कि ये भाई बहन है? बिल्कुल, अभी मैं बोलूंगी, मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो भाई बहन नहीं है, जैसे आप लोगों ने बोला कि वो लोग मानते हैं, अनुपमा यादव पवन सिंह को भैया बोलती है तो कभी बॉस आई लव यू बोलती है, तो आप लोग गाने के बेसिस पे जज कर रहे हो। अरे भाई अगर कोई भाई बहन है ठीक है, सेम इंडस्ट्री में है, वो लोग अपने एक घर से तो नहीं आ रहे हैं ना, लेकिन हाँ अगर कोई मुंह बोला भाई बन रहा है, मुंह बोली बहन बन रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा रक्षाबंधन वाला ही गाना बैकग्राउंड में प्ले हो, ये जरूरी तो नहीं है। अच्छा ठीक है, एक भाई बहन मोटरसाइकिल पर बैठते हैं, भाई का हाथ बहन के कमर पे जाता है और गाना बजता है पियर फराक वाली, भाई बहन का पवित्र रिश्ता कैसे देख रहे हैं? देखिए जैसा वो उस गाने में देखा गया है कि बाइक पे पवन बैठे हैं और उनको पकड़ के बैठे हैं, है ना, और साथ में गाना बज रहा है जो भी ये गाना है पियर फराक वाली, तो इसको हम कैसे मान ले कि भाई बहन ठीक है, इनका कहना है कि भाई बहन का रिश्ता, हम कुछ भी गाना बना के डाल सकते, क्यों कुछ भी गाना बना के डाल नहीं सकते? भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक क्या है ये बताओ, क्या कुछ ऐसा है कि एक चीज डिसाइड हो गया है कि नहीं दो ये लोग भाई बहन है, यही गाना बजेगा, यही गाना गाया जाएगा? वो लोग भाई बहन से ऊपर देखो ना, वो लोग आर्टिस्ट हैं, वो कोई भी गाना गा सकते हैं, आप उस पे जज कर दोगे कि अरे इसने ऐसा गाना गा दिया, ये तो भाई बहन थे? देखिए हम लोग जज नहीं कर रहे हैं, ये दुनिया कर रहा है, ठीक है, कल को लेकर के कल वो बोली एक भाई के लिए वो गाना भी गाए, ये हम लोग जज नहीं कर रहे हैं। आर्टिस्ट परफॉर्म ही नहीं करेगा, वो तो परफॉर्म ही नहीं करेगा, सिर्फ रक्षाबंधन वाला ही गाना गाएगा कि अरे भाई हम लोग एक दूसरे को भाई बहन बोलते हैं, अभी हम पब्लिक के बीच हैं, पब्लिक हमको जज कर लेगा, रक्षाबंधन वाला ही गाना गाएंगे, तो फिर एक तरह से रहेंगे ना, एक तरह से कभी आप बॉस बोलोगे, कभी आप आई लव यू बोलोगे, कभी आप भाई बोलोगे, तो इससे तो गलत फहमियां वो दोनों ही ना पैदा क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। वो गलत फहमी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम और आप जैसे लोग गलत फहमी अपने आप में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग ये इमेजिन कर रहे हैं अच्छा ये तो भाई बहन थे ऐसे कैसे कर सकते हैं, अरे भाई उनका पर्सनल लाइफ भी है, उनका नॉर्मल लाइफ भी है, हम लोग जैसे अपना आम जिंदगी जी रहे हैं वो भी जी सकते हैं, उनका भी पूरा हक है, वो कलाकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा एक ही जोन में रहेंगे, भाई बहन इससे ऊपर उठो। जी हाँ, देखिए जिस तरीके से दोनों के बीच के रिश्ते हैं इस वक्त किस मोड़ पे जा रहे हैं, क्या रिश्ता बना हुआ है, ये किसी को पता नहीं चल रहा है। एक बार के लिए हम सोचते हैं कि दोनों भाई बहन हैं, जिस तरीके से भाई बहन हरकत करते हैं उस तरीके से ये भी करते हैं, लेकिन दूसरे ही पल में जब ये स्टेज पर जाते हैं तो क्या क्या हरकत कर जाते हैं वो देखकर बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। और एक बार फिर से जो कल परफॉर्मेंस हुआ है इन लोगों का, कल जो इन लोगों का स्टेज शो देर रात हुआ है, उसके बाद कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं जिसमें भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है वो दागदार हो रहा है, क्योंकि वहां पर फिर से एक बार अनुपमा यादव दोहराती है आई लव यू बोलती है और पवन सिंह भी आगे बढ़कर आई लव यू टू बोलते हैं। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसे में ज्योति का क्या होगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।